स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की, बहुत इजी वे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पड़ा है मेरे भाई, ठीक है। चलो, सेवेंथ का फर्स्ट क्या बोल रहा है आप स्क्रीन पे देखो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बोलने से पहले क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है वो पढ़ते हैं मेरे भाई। बोल रहा है मेरे भाई, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। क्या बात है सर, अपन को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है। यानी कि 99 क्यूब बोल रहा है सर, क्या बात है सर, बोल रहा है मेरे भाई 99 का क्यूब, ठीक है, वो भी आइडेंटिटीज लगा के करना है। अदरवाइज 99 into 99 into 99 कर दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है सर, 99 का क्यूब है तो 99 into 99 into 99 करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो मेथड नहीं करना मेरे भाई। बोल रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज करो, है ना, आइडेंटिटीज का यूज करो, करेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है। अपन 100, ये देखो अपन 99 क्यूब को लिख सकते हैं, 100-1 का होल क्यूब। बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं, 99 के क्यूब को लिख सकते हैं 100-1 क्यूब, सेम थिंग है कि नहीं है। 99 को 100-1 नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे, है ना, 99 को 100-1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब ये बताओ, ये ए प्लस बी, अगर अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वाह बेटे वाह, अभी जस्ट पढ़े सर, तो क्यों ना हम लोग ए और बी यहां से पहचान लें। सर ए की जगह पे आप 100 ले लो, क्या ले लो, 100 ले लो। बी की जगह पे सर -1 ले लो, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। यहां पे ए है, ये बी है, बट बी के आगे मेरे भाई माइनस लगा है, तो -1 ले लेंगे। ए की प्लेस पे 100 हो गया, बी की प्लेस पे -1 हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। 99 क्यूब को क्या लिखा मैं, 100-1 का क्यूब लिखा, 100-1 का क्यूब लिखा। अपन ने आइडेंटिटी से अगर उसको कंपेयर किया तो हमने देखा और तुमने भी देखा कि ए बराबर 100 और बी इज इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, रखना पड़ेगा मेरे भाई। चलो, एक क्यूब है तो एक क्यूब का मतलब क्या होता है, 100 का क्यूब करो, प्लस बी क्यूब है -1 का क्यूब करो, प्लस 3 ए स्क्वायर भी है, 3 into a square बेटे कितना होता है, a 100 square होता है, b की प्लेस पे -1 रखना, ठीक है, 3 into a की प्लेस पे 100 रख देना, b square that means -1 का square। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लूं भाई, कैमरे में दिख रहा सर। चलो आगे चलो, 100 का क्यूब है मेरे भैया, तो 100 into 100 into 100 करने का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 1 1 एक ही बार है, 1 लिख लो, 2 0 2 0 2 0 दैट मीन्स 6 0, 1 लिख के अपन 6 0 लगाएं, 1 2 3 4, 1 2 का 3 4, है ना, 1 2 का 3 4 5 6 हो गया सर, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 0 लगाए, कैसे लगाया सर, 100 का क्यूब, 100 into 100 into 100, 2 0 2 0 2 0 6 0, है ना, बहुत एकदम ईजी वे में चल रहा है, ठीक है। चलो इसको इरेज करो, -1 का क्यूब करो, -1 into -1 into -1 -1 कैंसिल 1 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
करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है और ये प्लस, बेटा तू निकल ले यहाँ से, यहाँ पे निकल ले, कोई और आ रहा है तुम्हारे फैमिली में, ठीक है, माइनस वन हो गया सर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, 100 का स्क्वायर है ना सर, 100 into 100, ठीक है, 2 2 2, देखो 2 0 2 0, यानी कि एक लिख के 4 0, एक लिख के 4 0 into माइनस एक, बेटा रुक, माइनस नहीं करने का, बीच में मल्टीप्लाई है मेरे भाई, बात को समझने का इधर, ठीक है, इधर समझने का, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो उसके बाद सर क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 into 100 और माइनस वन का स्क्वायर है ना, माइनस वन into माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन, यानी कि वन हो जाएगा सर, क्या कर दिया सर आपने, माइनस वन के होल स्क्वायर को वन करेंगे, वन करेंगे, एक लाइन और बढ़ाते हैं। चलो ये देखो, वन लिख के कितने जीरो, 6 0 1 2 3 4 5 6, माइनस वन हो गया, प्लस
थ्री लिख के 0 2 4 0 3 0 0 0 0 हो गया 0 0 0, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ माइनस है, ये माइनस होगा, ठीक है, समझ में। ये माइनस में मल्टीप्लाई करोगे 3 × -1 तो -3, और -3 का मल्टीप्लाई अगर अपन कर दे 1s 10s 100000 10000 से तो कितना हो गया 30000, 1s 10s 100000 10000 30000 हो गया सर, 300 हो गया यहाँ पे, 300 हो गया सर, ठीक है। चलो 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 उसके बाद बेटे क्या करोगे, उसके बाद बेटे क्या करोगे, ये प्लस वाला इसके साथ जोड़ोगे, ठीक है। चलो ये पीछे से 2 0, ये 2 0 यहाँ पे 3 लगा दो, 1 0 0 0 3 0 लिख लो, और ये 3 डिजिट था ना, तो 3 डिजिट यानी कि यहाँ पे 3 लगा दो और ये 2 0 लिख दो, इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, यानी कि एक इसमें भी जुड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे क्योंकि इसको इसको जोड़ रहे हैं अपन। माइनस एक माइनस 30000 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस ही होता है। 3 3 बार 0 लिखो, 1 2 3, और एक लास्ट में एक लगा लो, ठीक है। इसको जरा माइनस करके बताओ ना, इसको जरा माइनस करके बताओ ना मेरे भाई, कितना आता है सज्जदी बता दो ना। अगर अपन माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा, 0 2 99 आएगा सर, कितना इजी वे में अपन ने बता दिया। एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार ट्राई करो, अगर माइनस करने पे नहीं आता तो मुझसे मुलाकात करो। 97 0 0 0 2 99 होता है कि नहीं होता, बहुत ईजी वे में सर आपने बताया, ठीक। माइनस करने नहीं आता तो फोन करना मेरे को, ये देखो मैं सिखाता है इधर 1 0, ठीक है, नई स्पेस आ रहा, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना, उसके जस्ट नीचे इसको लिख देते हैं अपन, ये देखो 1 0 0, ठीक है, एक बार और 0, एक बार 3, यही तो है, ठीक है, यही तो है। अब तो कर इसके नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, तो 1 ऐसे करको, ऐसे कर लो माइनस, जरा माइनस करके मुझे यहाँ पे आंसर बता दो मेरे भाई, ठीक है, फटाफट बताओ। अगले का आंसर मैं सोच रहा हूँ आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, फटाफट बताओ माइनस करके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को एकदम वेस्ट नहीं करना। अब माइनस के चक्कर में क्या, अब तो इतने समझदार हो मेरे भाई, माइनस के चक्कर में अपन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे अभी, समझ में आ रहा, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था, पूरा का पूरा मैंने सॉल्व ही कर दिया, सिर्फ आपको माइनस के लिए मैंने छोड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी वे में एकदम समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। अपन क्या करेंगे, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ओके, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 100 + 2, ओहो ओहो, दैट मीन्स 102 बोल रहा है कि नहीं सर, 102 बोल रहा है। आप अगर 102 × 102 × 102 करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मेरे भाई वो ऐसे ना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करो। तो सर आप क्या कर सकते हो इसको, अगर आप अपना माइंड का यूज करेंगे तो सर इसको 100 + 2 नहीं लिख सकते क्या, 102 को 100 + 2 नहीं लिख सकते क्या, क्यों नहीं लिख सकते सर, 100 + 2 का होल क्यूब हो गया सर, क्या से क्या हो गया देखते देखते, यानी कि a + b का क्यूब हो गया सर, a³ b³+3a²b+3, ओहो 3a² अब तो याद ही हो गया होगा सर, इतनी बार लिख दिए हो ना, इतनी बार लिख दिए हो ना कि क्या बताऊं मैं, ठीक है। चलो अगर ये a है तो ये a है, दैट मीन्स a की प्लस पे सर 100 रखेंगे, ठीक है, b की जगह पे सर 2 2 करने का, ठीक है। चलो ये a और b से कंपेयर किया मैंने, तो मैंने देखा a 100 की प्लस पे, b देखा तो 2 की प्लस पे, दैट मीन्स क्या करेंगे, 100 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 100 का स्क्वायर इंटू 2, वाह बेटे वाह, है ना, है ना, 3 × a, a है 100 इंटू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहा यार मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं, ये a था तो a के जगह पे मैंने 100 ले लिया, उसका क्यूब बोल रहा है क्यूब कर लिया मैंने, b था तो b के जगह पे मेरे भाई 2 ले लिया मैंने, 2 का क्यूब कर लिया, देख रहे हो विनोद, है ना, कितना खतरनाक पढ़ा रहे हो, ठीक है। चलो 2 की क्यूब कर लिया सर, 3 × a² × b हो गया सर, क्या से क्या हो गए देखते देखते, 3 × 100 का a² सर, b² है, तो b की जगह पे 2 था ना, तो 2² a की जगह पे 100 है ना, 100, ये 3 फॉर्मूले में है सर, ये b की जगह पे 2 रखा सर, a स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर किया, ये फॉर्मूले में 3 है तो 3 किया, कुछ नहीं किया अपन। चलो 100 का क्यूब करेंगे तो 100 लिख, देखो
दो जीरो तीन चार पाँच छः, सर कैसे पता चला आपको? तो 100 × 100 × 100 करेंगे तो एक लिखेंगे, ये दो चार छः जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 का क्यूब सर कितना होता है? 2 × 2 × 2 × 2 = 4 = 8 बेटे, 8 है ना, 8 हो गया। चलो 100 का स्क्वायर कितना होता है, इसको इरेज करते हैं अपन, इसको इरेज करते हैं अपन। 100 का स्क्वायर करेंगे सर तो 100 × 100 होता है, ठीक है, 1 2 2 मिलके 4 होता है सर, 4 होता है। चलिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए, 3 × कितना करेंगे, 1024 है ना, × 2 + 3 × 100 × 2 = 4, ठीक है सर। यहाँ पे 4 कैसे आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर था मेरे भाई, तो 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 हो गया है ना। अब ये नहीं बोला सर क्या से क्या हो गए देखते देखते, वाह बेटे है ना। चलो उसके बाद सारा कुछ देखते हैं क्या से क्या होने वाला है, 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 6, हा 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 है ना, 8 + ये देखो 3 × 2 = 6, ठीक है, 6 लिख के 2 × 2 = 0 लगा लो, 2 × 2 = 2 है ना, बना दिया अपन, ठीक है। 3 × 4 = 12 होता है, 12 का मल्टीप्लाई 100 में कर लो तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आप लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, मैं देखता हूँ, ये 4 0 1 2 3 4 0, यहाँ पे 6 लग जाएगा, 1 0 ये 6 करके, 1 0 यहाँ पे 6 कर दिए और 4 0 था ना यहाँ पे, तो 4 0 4 0 कॉपी कर लो, प्लस ये देखो 12, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स 1208 हो गया सर, क्या से क्या हो गए देखते देखते है ना। इसको ऐड कर लो यार, इसको ज़रा ऐड करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, बताओ क्या होगा, क्या होगा मेरे भैया, क्या होगा फटाफट बोल दो क्या होगा, एकदम कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर इसको ऐड करते हैं, 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये वाला 1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद सर, उसके बाद सर क्या होगा, ये 6 1 हो गया, ठीक है, ये वाला 0 भाई 0 है, ठीक है, और ये 0 8 हो गया सर, क्या बात है सर, कितना इजी वे में आपने किया। एक बार फिर से चेक करते हैं सर, एक बार फिर से यहां पे लास्ट में 8, लास्ट में 8, फिर ये वाला 0, ये वाला 0, फिर ये वाला 2, ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे सर क्या कर दिया तुमने मेरे भाई, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, ये 8 यहाँ पे हो गया, ये 0 यहाँ पे हो गया, ये 2 यहाँ पे हो गया, ये 1 यहाँ पे हो गया, दैट मीन्स 1208 पूरा का पूरा, ये कॉपी पेस्ट 1208 हो गया, और ये वाला 6 यहाँ पे हो गया 10, एकदम ये क्या बात है, एकदम ईजी वे में सॉल्व कर दिया सर आपने, एकदम कुछ था ही नहीं, ये तो धुआं धुआं हो गया पहले ही है ना, पहले ही धुआं धुआं कर दिया आपने, एकदम इजी वे में है। एक क्वेश्चन और बचा है, फटाक से स्क्रीन पे लगाते हैं, झटाक से आंसर लाते हैं है ना। चलो इसको नोट करो, प्लीज कॉपी पेस्ट करो, डाउनलोड करो क्वेश्चन को अपने माइंड में है ना, समझ में आ गया, वेरी गुड, इरेज करो, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, चलो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में समझने वाले हैं, ठीक है। देखो हैरानी परेशानी तो थोड़ी बहुत लगी रहेगी, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि इतना तगड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इतना तगड़ा एडिशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा अगर माइंड का यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना तो मल्टीप्लाई करनी थी और ना ही जोड़ना था, मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया वहाँ पे जोड़ने का, ठीक है। बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लिखा, और ऐसे एडिशन में छोटा बड़ा का क्या ही रोल है ना। चलो बहुत ईजी वे में अपन ने जोड़ा तो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे देखो, 7th का 3rd का कुछ बात कहना है, हम भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो। 9 9 8 का क्यूब हो गया सर, 9 9 8 का क्यूब होता है सर, ये बताओ जरा, ये बताओ, कैमरे में दिख नहीं रहा आपको, मुझे लग रहा है मैं एक बार इरेज करके सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, ये 3G आप क्यों ऊपर जा रहे हो है ना, 998 का क्यूब करेंगे। अगर मेरे भाई आप 998 × 998 × 998 करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन अपन को डायरेक्टली नहीं करने का,
समझ में आ रहा है? अपन को क्या करना है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैं फिर पढ़ देता हूं, ठीक है। बोल रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हाँ समझ में आ रहा है? अंग्रेजी समझ में आता है कि नहीं आता? सर क्यों नहीं आएगा यार, सीबीएसई बोर्ड में सर अपन पढ़ते हैं, और ऐसी बात करके शर्मिंदा ना करें। हाँ ऐसी बात करके शर्मिंदा ना करें। तो 998 को लिख सकते हैं सर, 1000 लिखो ना, 1000-2 का क्यूब लिख सकते हैं सर। क्या बात कर दिया सर आपने, यहीं पे लिख दो ना 1000, यानी कि 998 को लिख सकते हैं, 1000 में से 2 कम कर देंगे। 1000-2 का क्यूब, दैट मींस बोथ आर सेम। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर सर इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो अपन को a+b का क्यूब आपने जस्ट पढ़ाया था कि a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्या बात है, a की जगह पे सर आप 1000 रखने का, ठीक है सर। b की जगह पे आपको -2 रखने का, ठीक है। बहुत इजी वे में बता रहे हो सर, क्या बात है, है ना, क्या बात है। यानी कि जब आपको a और b पता चल गया तो क्या ही नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक बार रुको, मार्कर का लग रहा है इंक मेरे भाई कम हो रहा है क्या, मैं थोड़ा सा इंक चेक करता हूँ। चलो a की प्लेस पे क्या करेंगे, 1000 लिखो, 100 वाह बेटे वाह का क्यूब प्लस बी का क्यूब मैंने भाई -2 का क्यूब करेंगे, कोई दिक्कत है क्या सर। प्लस 3 ए स्क्वायर का मतलब होता है सर कितनी बार 0, 3 बार 0 का क्यूब। बी का मतलब होता है सर -2, ठीक है। प्लस 3 का मतलब होता है 3, एक की जगह पे लिखेंगे 1000, ठीक है सर। बी स्क्वायर बोल रहा है तो -2 का स्क्वायर। एक बार चेक करता हूं मैं, स्क्रीन पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? यस दिख रहा, पूरा फुल 2 आ रहा है सर। आपने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए क्यूब इंटू बी। अरे सॉरी, क्या कर रहा रजनी से, क्या कर दिया तूने? हाँ नहीं समझ में आ रहा तुमको, इतने तब से टाइम से कर रहे हो अभी तक नहीं सीख पाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्या बात है सर, है ना, कर तो दिया। आपको लगता है आता है मैथ थोड़ा, ठीक है। ए क्यूब है ना, तो ये देखो, अगर 1000 × 1000 × 1000 वन कर लो, 3 3 3 9 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर कैसे 9 0 आया? आप तो मल्टीप्लाई भी रोबोट की तरह करते हो, है ना, मल्टीप्लाई भी रोबोट की तरह करते हो। बहुत इजी है ना, आप भी रोबोट बन सकते हो। 1000 का क्यूब बोल रहा है तो 1000 × 1000 × 1000। अब ये मत कहना सर यहाँ पे क्यों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाओ। अरे यार आइडेंटिटी लग चुकी है, 1000 का क्यूब का मतलब मेरे भाई क्या होगा, 1000 × 1000 × 1000 1 1 1 हो गया, 3 0 3 0 3 0 9 बार 0 हो गया, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं अपन, आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइट सही है। चलो उसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड जो माइक गिर गया, मैं एक सेकंड लाइट चालू कर निकाल लिया, जस्ट वेट मेरे भाई, ओके थोड़ा लाइट चला गया ना, तो अभी अपन ने सही कर लिया। देखो कुछ नहीं था सर, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ सर कि -2 का क्यूब है ना सर, तो क्या ही करोगे, -2 × -2 × -2 −+2 × 2 = 4 × 2 = 8 होता है सर, ये -8 हो गया सर, क्या से क्या हो गए देखते, है ना। चलो प्लस दिख रहा है मेरे भाई, वेरी गुड। चलो ये सर बताओ यहाँ पे जरा ये बताओ कि 3 × 1 ये 000 है ना, तो 000 और 2 3 4 मतलब 6 बार 0 हो गया सर। कैसे पता आपको 6 बार 0, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे बोल रहा है ना 1000 का मल्टीप्लाई 100 में करने का, ठीक है। तो 1 लिख के 3 0 ये 3 0 ये, तो 6 बार 0 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया ना मेरे भाई,
चलो माइनस टू का भी मल्टीप्लाई करना था इसमें, अभी करेंगे अपन, थोड़ी देर रुको तो जरा, रुको तो जरा, क्यों सबर नहीं हो रहा। चलो तीन जीरो, सर माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू होता है तो टू टू जो फोर होता है सर, एकदम इजी वे में बात कर रहे हो सर आजकल, क्या बात है। माइनस टू का स्क्वायर है ना, तो माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया और टू टू जो फोर हो गया सर, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। वन और नौ बार जीरो लिखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया सर, वन टू थ्री थ्री थ्री। चलो ये माइनस एट, ठीक है, टू और थ्री सिक्स, माइनस सिक्स, टू थ्री जा सिक्स बट ये माइनस सिक्स, ठीक है, और वन टू थ्री थ्री सिक्स, यानी कि छः बार जीरो भी लगेगा, छः बार जीरो भी लगेगा, लगाओ ना सर। थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व होता है सर, और तीन बार जीरो लगा दो ना, लगा दो ना। चलो उसके बाद क्या मज़ा आने वाला है क्या मेरे भाई, तीन जीरो के बाद दो वन टू लगाओ, तीन जीरो के बाद वन टू लगाओ, यानी कि यहाँ से वन जीरो 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 जीरो, ठीक है। चलो कितने डिजिट थे, तीन दो पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, और कितने जीरो बच गए, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, यानी कि कॉपी पेस्ट करो, बारह तीन जीरो, कुछ नहीं सर। आपने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया, तो आपने देखा कि लास्ट से तीन डिजिट जीरो है, तो लास्ट तीन डिजिट जीरो है, दो एक है तो दो एक लिख दिया, यानी कि पाँच चले गए, तो एक दो तीन चार पाँच चले गए, तो उसके पहले बचे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जीरो और ये एक, ठीक है। चलो उसके बाद सर क्या करोगे, क्या करोगे आप, ये माइनस है एट और ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो सर ये बड़ा बड़ा है तो उसके सिंबल लगाओ, माइनस छः लिखो, एक दो तीन चार पाँच बार जीरो, एक दो तीन चार पाँच बार जीरो, एक दो तीन चार पाँच और ये लास्ट में एट लगा दो। सर क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, ये माइनस एट है, ये माइनस है, दोनों में माइनस माइनस तो प्लस होगा, इसको मैंने इसमें जोड़ा तो एट यहीं पे ना जुड़ जाएगा, एट यहाँ जुड़ गया, बाकी एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तीन दो पाँच जीरो और ये सिक्स। अब मेरे भाई इसको जरा माइनस करो ना, जरा माइनस करो ना, क्या होगा जरा माइनस करके बताओ, फटाफट बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सर माइनस करने पे आएगा 99 40 11 99 92, क्या बात है सर। अगर आप माइनस करो, अगर नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इजी है, 99 40 11 99 92 आएगा, एकदम ईजी है सर। अगर नहीं माइनस करने आता ना तो मुझसे पूछ लेना, इसको ऊपर लिखा था मैंने, इसको नीचे लिखा था मैंने, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे किया था, एट जीरो जीरो, ओहो कितनी बार जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव बार, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद मैंने सिक्स लगाया था, मैंने माइनस किया था, जीरो से आठ नहीं जाएगा, मैंने इसे दस लिया, दस में से आठ गया, दो गया, देखो दो आया कि नहीं आया, वैसे ही सेम कॉपी पेस्ट करो, एक बार माइनस करो, माइनस करके बताओ फटाफट, वैसे आंसर तो मैंने लिख ही दिया बट माइनस करो आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करिए, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है, आपको माइनस नहीं आता तो बताना सर आपका मुझे माइनस नहीं आया, ओनली फॉर माइनस के लिए एक शॉर्ट्स मिल जाएगा आपके नाम का, समझ में आया, शॉर्ट्स दे दूंगा माइनस कैसे करता है, बट है इतना टफ माइनस रहता तो फिर बताता। चलो करो फटाफट माइनस करो, आपके घर में इतने बड़े बच्चे होंगे उनको दो ये माइनस फटाफट, जाओ इतने बड़े बच्चों को माइनस दो फटाक से, मुस्कुरा के एक बार करेगा, है ना। चलो तो अभी फिलहाल की क्लास में देखता हूँ और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं सर तीन ही क्वेश्चन थे, सेवेंथ में तीन क्वेश्चन थे, आपने तीनों क्वेश्चंस करा दिए, वेरी गुड। चलो अभी कोई भी डाउट होगा आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, एंड सभी चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।